यूं ही नहीं कहते मेरा भारत महान, भारत महान है। हाँ, इस बात से साबित हो जाता है अब तक जो एरो जो मॉडल्स होते हैं, जो छोटे प्लेन्स होते हैं वो बाहर से मंगवाए जाते थे, जो UAV होते हैं उसके जो हाफ स्केल होते हैं वो भी भारत से मंगवाए जाते थे, विदेशों से जो मंगवाए जाते थे UAV, जिसको हमारी जो सैन्य सेवाओं में इस्तेमाल किया जाता था, थल सेना और जो वायुसेना है वो इस्तेमाल करती थी अपने टारगेट्स के लिए और अपने जितने भी सैनिक हैं उनको सिखाने के लिए। अगर बात करें हम इस टाइम हम लुधियाना में हैं, तो आने वाले दिनों में जितने भी UAV हैं और एरो मॉडल्स हैं वो यहीं पे बनेंगे, स्वदेशी होंगे, भारत में निर्मित होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो भारत बाहर से मंगवाता था UAV और एरो मॉडल्स, और जो बहुत बड़ी कीमत पे मंगवाता था उसे भारत को निजात मिलेगी, सस्ते UAV और जो एरो मॉडल्स हैं वो भारत को मिलेंगे यहाँ पर आके। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारतीयों का जो हौसला, वो जो जज्बा है वो भारत में बनने लगे हैं। आपको और बात बताऊँ कि सबसे जो बड़ी बात है, जहाँ हम खड़े हैं एक वर्कशॉप है जहाँ पे जो मिनी एरो मॉडल्स हैं और जो UAV के हाफ स्केल्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, उनको ठीक किया जा रहा है। भारत की जो सैन्य सेना है वो अपनी ओर से जो युद्ध अभ्यास के लिए जो स्पाई पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करती थी, जो विदेशों से मंगवाए जाते थे, वो अब यहाँ से निर्मित होंगे, पूर्ण तौर से वो स्वदेशी होंगे। बुधाना से गौरव वालिया, इंडिया न्यूज़।